For updates regarding all competitive exams, subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so that you never miss a notification. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडवांस्ड इंग्लिश बाय राजेश्वर शर्मा में. फ्रेंड्स, ये हमारा है टॉपिक नंबर 23 और ये लिखा है रोहितेश यादव ने और टॉपिक है डोकलाम इशू. अभी तक के 22 टॉपिक्स जो कवर हो चुके हैं उन सब का लिंक आपको इस वाले एसे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उसे भी देख लीजिए. द स्टैंड ऑफ इन June 2017 व्हेन पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ऑफ चाइना स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ रोड टुवर्ड्स डोकलाम. अब इन्होंने ये लिखा है, बट आपको ये लगेगा इसे पढ़ के कि ये बस एक स्टेटमेंट है, इससे कुछ मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है. या तो ये इसे ऐसे लिखते, देयर वॉज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना व्हेन PLA ऑफ चाइना स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ रोड टुवर्ड्स डोकलाम. ओके, इसको ऐसे लिखें, वरना जो लाइन आपने स्टार्टिंग में लिखी है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह नजर आ रही है, उससे मीनिंग नहीं निकल रहा है. सून इट बिकेम अ सीरियस, की स्पेलिंग गलत है. सून इट बिकेम अ सीरियस इशू एडिंग टेंशंस टू, रेड आएगा, सीरियस इशू एडिंग टेंशंस टू द साइनो इंडियन रिलेशंस, यहाँ भी प्लूरल आएगा. देखिए, इन्होंने ये बता दिया कि डोकलाम का जो इशू है वो कब स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ और उससे रिलेशंस में काफी सारी टेंशन आ गई. द ट्राइलेटरल बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन भूटान, चाइना एंड इंडिया एंडेड ऑन द 73rd डे आफ्टर द टू मेजर राइवल्स इंडिया एंड चाइना एग्रीड टू डिसएंगेज देयर ट्रूप्स फ्रॉम द डिस्प्यूटेड लैंड. ये इन्होंने एकदम सही लिखा है और इनकी लैंग्वेज भी एकदम सही है. इन्होंने ये बताया है कि 73 दिन बाद जो दोनों कंट्रीज थी, इंडिया और चाइना, इनके बीच में डोकलाम विवाद खत्म हो गया और दोनों ने जो अपने ट्रूप्स थे, उनकी आर्मी थी, उसको हटा लिया डिस्प्यूटेड लैंड पे से. डोकलाम इज द भूटानीज नेम ऑफ द रीजन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया एज डोकलाम. चाइना क्लेम्स इट टू बी अ पार्ट ऑफ इट्स डोकलांग रीजन. ये इन्होंने बताया है कि जो डिस्प्यूट है वो क्यों स्टार्ट होता है इंडिया और चाइना के बीच में. डोकला इज आल्सो इंडियाज लास्ट मिलिट्री पोस्ट ऑन द ट्राइजंक्शन ऑफ इट्स बाउंड्री विद भूटान एंड चाइना. इन्होंने ये बताया है कि जो डोकला की जो पोजीशन है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया की लास्ट मिलिट्री पोस्ट है. भूटान हैज नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद चाइना and depends on military and diplomatic support from India. देखो, इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि भूटान के कोई टाइज नहीं है चाइना के साथ और वो सिर्फ इंडिया पे डिपेंड करता है या फिर इंडिया का एक एलाय है. द डोकलाम एरिया इज डेंजरसली क्लोज टू द नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर दैट कनेक्ट्स द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स. ये इन्होंने एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जो डोकलाम एरिया है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. अ सिग्निफिकेंट चेंज इन स्टेटस क्वो With serious security implications. ये थोड़ा इन्होंने गलत लिखा है, ये ऐसे आएगा. A significant change in status quo will have serious security implications. अब इन्होंने लगाया full stop, फिर इन्होंने लिखा and. देखिए, and नहीं आएगा full stop के बाद. And it could be danger, नहीं dangerous. And it could be dangerous for India's growth story. Story word हटा दीजिए, growth तक ही काफी है. तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो डोकलाम एरिया है वो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और अगर ये जो जगह है डोकलाम, ये इंडिया के हाथ से चली जाती है तो इंडिया के लिए किस तरह की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हाउएवर दिस डिस्प्यूटेड इशू मूव टू रिकनसाइल स्टेट बिकॉज इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजिशन एज वर्ल्ड लीडर इन इकोनॉमिक सार्क एंड ब्रिक्स. देखिए, अब ये इन्होंने सही नहीं लिखा. अब शायद यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया ने किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करा और इंडिया इस पूरी समस्या से बाहर कैसे निकल पाया. बट देखिए, थोड़ा फॉर्मेशन गलत है सेंटेंसेस का. हाउएवर दिस डिस्प्यूटेड इशू मूव्ड टू अ रिकनसाइल्ड स्टेट, मतलब जो ये पूरा इशू था ये रिकनसाइल हो गया, मतलब ये उलट हो गया, बिकॉज ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्ग पोजिशन एज अ वर्ल्ड लीडर. अब देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है इन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वॉट, सार्क एंड ब्रिक्स. मुझे लग रहा है कि आपने इन वर्ड्स को अपने ऐसे में डालने के लिए इस लाइन को इंट्रोड्यूस करा है, जबकि ऐसा ना करें. एक पूरा सेंटेंस बनाएं जिसके अंदर इंडिया की पोजीशन को अलग से स्ट्रॉन्ग बताएं. ऑल्सो रोल ऑफ फॉरेन प्लेयर, प्लेयर नहीं आएगा, प्लेयर्स आएगा. ऑल्सो रोल ऑफ फॉरेन प्लेयर्स लाइक USA, रशिया, जापान एटसेट्रा इज सिग्निफिकेंट. देखिए, आपने इस लाइन को स्मार्टली नहीं लिखा है, आपने बताया है कि ठीक है, USA, रशिया और जापान की भी इंपॉर्टेंस है,
बट इसको थोड़ा सा और ऐसे के फ्लो के साथ इंडिया के रिलेशन से जोड़ते हुए लिखिए. ऑल्सो इंडिया इज क्लियरली फार अहेड ऑफ वॉट इट वॉज इन 1962. इस लाइन को या तो आप स्टार्टिंग में लिखते कि इंडिया वैसा नहीं है जैसा इंडिया 1962 की वॉर के टाइम था. एज बिग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स इंडिया एंड चाइना आर की स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. आपने ये कंक्लूजन में सही लाइन लिखी है कि इंडिया और चाइना दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के अंदर. द इंडिया चाइना बायलेटरल ट्रेड रीच्ड 84.44 बिलियन डॉलर्स. देखिए बेटर तब होगा जब आप इस वाली लाइन को और जो लाइन आपने ऊपर लिखी है इन दोनों को और ढंग से कंबाइन करके लिखें. आप इसे ऐसे लिखें कि इंडिया और चाइना का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 84 बिलियन का है और इससे ये प्रूव होता है कि दोनों ही जो ये कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती हैं एंड हेंस दे आर की स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. इंडिया नीड्स टू बोल्स्टर इट्स बॉर्डर डिफेंस and at the same time maintain good political and economical relations with its neighbors. ये इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है और बहुत ही न्यूट्रल इन्होंने दिया अपना सजेशन. This is right. A peaceful relation is the need of the hour for both the countries. इन्होंने सही लिखा है. तो देखिए इन्होंने बीच में जहाँ इन्होंने ये वाला पार्ट लिखा था सार्क वाला और इकोनॉमिक वाला थोड़ा सा इसको अगर इम्प्रूव करे तो बहुत अच्छा होगा. बाकी इनकी एंडिंग भी काफ़ी अच्छी है और इनकी स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी है. इन्होंने डोकलाम का जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है उसको समझाया है और इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट है वो क्यों स्टार्ट होता है इन्होंने वो रीजंस भी दिए हैं. फ्रेंड्स अब इस ऐसे को आप रिव्यू कीजिए और मार्क्स दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.